सही गुना तो स्वागत है दनियार का जी। शुक्रिया आपने बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए स्पेशल सारा कुछ बनाया है जो हमारा गनियार का साग। अच्छा, इसका तो मैं पहली दफा नाम सुना है, दनियार का साग। गनियार का साग जिस तरह सरसों का साग होता है ना पंजाब में बड़ा मशहूर है, इस तरह हमारे यहाँ की जो पहाड़ी इलाकों में ये गनियार का साग मिलता है, ये भी बड़ा टेस्टी है। बिल्कुल उसी लेवल का लगता है। कहाँ है? पहाड़ों पे। पहाड़ों में ये यहाँ पे इतना ज्यादा है कि खुद रो भी है, लेकिन हम लगाते भी हैं कमर्शियली। ये जो है वो यहाँ पे सेल भी होता है। अच्छा। बाकायदा एक फसल का इसका, इसमें टेस्ट इतना ज्यादा है ना कि लोग बड़ा खुशी से इसको जो है वो एज अ फसल भी काश्त करते हैं। जी जी, मकई की रोटी के साथ खाते हैं। ये चटनी भी है टिम्बर की, बड़ी स्पेशल बनी हुई है। ये मैं लेती हूँ, इतना सारा नहीं ज़ाया नहीं करेंगे। आज हमने जो आपकी होटल में नाश्ता किया है ज़बरदस्त। ये आप खाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। वो तो है, लेकिन सब चीज़ चखनी ना। ये मक्खन थोड़ा सा। सुबह भी मैं यही कह रही थी अपनी टीम को कि यहाँ के पराठे और अंडे और ऐसे घी लगे हुए नान हम खाएंगे तो कहाँ जाएंगे। नहीं नहीं, यहाँ पे चलना भी पड़ता है, ये सब हजम हो जाता है। पकोड़ा कड़ी भी खानी जी, ये तो मेरी फेवरेट है। और देसी मुर्गा हमारे भांजे ने स्पेशली आपके लिए मंगवाया है, देसी, ये बहुत मजे का होता है। उससे मेरी दोस्ती नहीं है। हम तो खा सकते हैं। यहाँ का जो पानी है ना बहुत जूद हजम है, बहुत अच्छा है, कुदरती चश्मों का है, इसलिए आप ये खाएं और आप आधे घंटे एक घंटे के बाद आपको फिर भूख लगेगी, फिर कहेंगे मैंने मुर्गा भी खाना है, मैंने कड़ी भी खानी है और मैंने साग भी खाना है। तो नहीं है ये, हम तो फिर भी चूंकि शहरों का इम्तजाज है ना हमारा, यहाँ पे आप लोकल जितने भी हमारे बाकी अजीज अदार हैं बिल्कुल स्लिम मिलेंगे आपको, बट दे आर वेरी टफ पीपल। यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ, हमारे एक अपनी बेटी लेफ्टिनेंट अरसलान शहीद हो गए थे, तो आर्मी चीफ आए थे, तो वो जब उनके घर गए पैदल चल के, तो पहाड़ के बिल्कुल सेंटर में था, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पे आना भी मुश्किल है, तो उन्होंने देखा आसपास लोग बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं, वो कहते हैं यार यहाँ के लोग तो इतने टफ हैं कि हमें तो उनको इंडक्शन करनी चाहिए आर्मी में। तो यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ों पर चढ़ना उतरना उससे ये फैट्स वगैरह ख़त्म हो जाती है और बड़े टफ और अच्छे मस्कुलर इंसान होते हैं, स्लिम होते हैं, बट यह कि वो टफ होते हैं, तो ये इन्हीं चीज़ों की वजह से है। प्लीज़ स्टार्ट करें। आप लोग जब कड़ी बनाते हैं तो इसको किस चीज़ के साथ खाते हैं? चावल, रोटी, खिचड़ी? इसको मकई की रोटी के साथ भी खाया जाता है, गंदम की रोटी के साथ भी खाया जाता है। अगर हाँ अगर चावल के साथ हो तो उसमें फिर ये नहीं डालते, पकौड़ा नहीं डालते, वो सिंपल होती है उस तरह। यहाँ की एक चटनी है उसके अंदर टिम्बर है, टिम्बर यहाँ की स्पेशलिटी है, वो सिर्फ इसी इलाके में पहाड़ी इलाके में मैदानी इलाके में नहीं मिलता। टिम्बर की ये खासियत है कि एक इंसान के अंदर कोई बादी वगैरह हो ये उसी की चटनी है, वो ख़त्म हो जाती है। और दूसरा ये जूद अज़म है, और जिस तरह पे हम नॉर्मली अनारदाना और ये चीज़ें हम उसमें मिंट का जो है वो चटनी बनाते हैं, तो दिस इज़ मोर देन मिंट, ये आप इसकी अपना एक जायका है, अपनी एक खुशबू है और इसका अपना एक असर है, और ये बहुत जूद अज़म चीज़ है, और इंसान के मैदे में कोई भी मसला हो खाने और बादी वगैरह वो ख़त्म कर देता है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें इन चीज़ों से भी नवाजा है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप इसको भी एंजॉय करेंगे। आज हम पेट्रियाटा आए और बहुत माशाल्लाह मज़ा आया,
क्या खाना और क्या टेस्ट है, मैं आप क्या बताऊँ। बहुत दफ़ा मैंने भी बनाया है मकई की रोटी, लेकिन आपको मैं दिखाऊँ, ये देखें इसमें जो इन्होंने मक्खन लगाया है, ये देख इतने मज़े किए हैं, मैं आपको क्या बताऊँ। और ये साग और कढ़ी और ये ज़बरदस्ती चटनी, टू गुड। तो आप सबका बेहद शुक्रिया, इतने शॉर्ट टाइम पे हमने आपको बताया और आपने इतनी तैयारी करी, बहुत बहुत शुक्रिया भाभी, आपका भी बहुत अच्छा लगा। इसी तरह हमारा साथ दीजिए, बहुत सारे अभी एपिसोड्स हमारे बाकी हैं, इस्लामाबाद से भी करेंगे जी। आप कुछ कहेंगे भाई? आपा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे घर को और हमें शर्फ बख्शा, यहाँ के पे तशरीफ लाई, मोहब्बत नजर आ रही है, झलक रही है। Thank you हमने so असल में खिदमत तो आपकी बहुत करनी थी, टाइम हमारे पास शार्ट था। नहीं, तो और मजे की बात तो ये कि ये मेरी फेवरेट चीज़ें, पता नहीं अल्लाह ताला ने आप लोगों को कैसे बता दिया कि मेरा फेवरेट है साग और मकई की रोटी और कढ़ी। हम आपके शो देखते रहते हैं, इसीलिए आपको पता था। दूसरा आप जो नॉर्मल चीजें हैं वो तो बनाती भी हैं, लोगों को दिखाती भी हैं, तो ये एक ट्रेडिशनल सी हमारी डिश थी, हमने कहा चले आपको एंजॉय करवा दें। घर की पकी हुई चीजें जो है ना पसंद आई, बहुत मजा आया, समझे कि हम जो है ना, उससे ये है कि आज हमारी ये सक्सेस है कि आपने जो चीजें पकी हुई हैं उनको सराहा देते हैं, इतना मान देते हैं मुझे, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको भी सेहत। आपको अम्मी की पकी हुई कौन सी बेस्ट चीज लगती है? पास्ता और बिरयानी तो बहुत अच्छी लगती है। एक्चुअली वेजिटेबल आजकल हम लोग बहुत कम खाते हैं, टीन एज, पास्ता और बिरयानी बहुत अच्छी लगती है अम्मा की, मिक्स सब्जी भी कभी कभार। आजकल बच्चे नहीं सब्जी खाते, नहीं खाते हैं ये मिक्स सब्जी जो मटर गाजर। अच्छा, अच्छा, अच्छा। और आपको भाई? जी माशाल्लाह हमारी मिसेस के जो हाथ में ना अल्लाह ने बड़ा टेस्ट दिया हुआ है, सुबह नाश्ता हो, दिन का खाना हो, रात का खाना हो, जो भी वैरायटी है, जो भी चीज़ बना लें, चाहे वो राइस में हो, पास्ता में हो, या देसी कोई भी वेजिटेबल में मिक्स वेजिटेबल बहुत अच्छा बना लेती है। तो माशाल्लाह इस लिहाज से हम समझे खुद कफील हैं, और अब तो हमारी बेटियां भी साथ देती हैं इसमें मामा का, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी खाना वो बनाए बहुत अच्छा बना। अब हमें पेट्रियाटा आना होगा तो हम जागे जाएंगे, हमारे लिए तो खुला है ना। जब राउंड द क्लॉक 24/7 365 डेज पर एनम, जब भी आप आए, हर वक्त आपके लिए दरवाजे खुले हैं, ये तो हमारे लिए एहसास है, आप आएंगी और हमारे लिए एक बड़ा एहसास है। थैंक यू, आपने वक्त दिया, हमारा प्रोग्राम देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा हमें जब देखेंगे शो, और अपने घर में भी बनाइएगा और बताइएगा आपको ये चीज़ें कैसी लगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।